जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बताने वाला हूं कि इन शब्दों में इतनी शक्ति नहीं थे कि यदि व्यक्ति रोज सवेरे सवेरे सिर्फ इन शब्दों को जपता है, इन शब्दों को रटता है, तो इन शब्दों को केवल बोलने मात्र से, प्रतिदिन इन शब्दों को बोलने मात्र से ही व्यक्ति वो सारी ही चीज़ों को प्राप्त कर सकता है जिसकी वो कामना करता है। जैसे कि आरोग्य है, सिद्धि है, धन है, स्वास्थ्य है, अच्छी खासी नौकरी है, जो कोई भी चीज़ व्यक्ति चाहता है उस चीज़ को व्यक्ति पा सकता है। इतनी शक्ति इन शब्दों में निहित है। जैसे कि ओंकार है, ओंकार साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि यदि कोई व्यक्ति ओंकार का लगातार जप करता है तो उससे उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी परिवर्तन आते हैं, काफ़ी चीज़ों को वो सिद्ध कर सकता है। ऐसे ही ये शब्द हैं, इन शब्दों को यदि आप रेगुलरली रोज सवेरे सिर्फ जपते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दफे बोलते हैं, तो इन शब्दों को बोलने मात्र से ही आप जो कोई भी चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं वो सारी ही चीज़ों को आप पा सकते हैं। जैसे कि धन है, दौलत है, पैसा, टका, नामना, ये सारी चीज़ें, जिन चीज़ों को आप चाहते हैं अपने जीवन में प्राप्त करना, उन चीज़ों को आप बड़ी आसानी से अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में आरोग्य को प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए, नामना को प्राप्त करने के लिए, ख्याति को प्राप्त करने के लिए, घर, मकान, गाड़ी, बंगला इत्यादि चीज़ों को प्राप्त करने के लिए काफ़ी तरह की मेहनत करता है, कार्य करता है, लेकिन कई दफ़े कुछ लोगों को उसमें सफलता मिल जाती है और कुछ लोगों को सफलता नहीं मिलती है। अब ये जो कर्म है, जब व्यक्ति इन कर्मों को करता है तो इन कर्मों के साथ साथ उनको दैवीय शक्ति की भी आवश्यकता होती है, कुछ ऐसी शक्ति की आवश्यकता होती है कि जिनके द्वारा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसका उसको संपूर्ण रूप से फल प्राप्त हो। क्योंकि होता क्या है कि जब व्यक्ति कोई कर्म करता है, किसी कार्य को करता है, तो उसके कुछ ग्रह दोष ऐसे होते हैं, किसी का कुछ किया कराया ऐसा होता है, या कुछ नेगेटिव चीज़ें उसके साथ में ऐसी लगी होती हैं, ये कोई भी हो सकती है, उसके पूर्व के कुछ कर्म ऐसे होते हैं, या किसी की हाय बद्दुआ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे व्यक्ति जब कर्म करता है, कुछ प्राप्त करने के लिए जब मेहनत करता है, तो व्यक्ति पूरी तरह से उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता है। दिन में 12-12, 14-14 घंटा मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति पैसे नहीं कमाता है जितना वो चाहता है, या अपने हिसाब से घर मकान नहीं ले पाता है, या कई व्यक्ति तो कर्ज के बोझ के तले डूब जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं। ये इसलिए होता है कि कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव चीज़, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्ति, कोई काली शक्ति उसके साथ में होती है कि जिसके वजह से उसका कार्य नहीं बन पाता है। अब यदि इससे अधिक शक्तिशाली कोई चीज़ आपके साथ में आ जाती है तो इसका जो दुष्प्रभाव है वो हट जाता है और आप जो कोई भी कार्य करते हैं उसका आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो ऐसा ही कुछ शब्द है, इन शब्दों को यदि आप रेगुलरली रोज सवेरे बोलेंगे तो इनको बोलने मात्र से ही, एवरीडे इनको बोलने मात्र से, इन शब्दों की शक्ति इतनी अधिक है कि आपके आसपास एक पॉजिटिव शक्ति का, सकारात्मक शक्ति का एक ओरा, एक घेरा बन जाएगा और आप जो कोई भी कार्य करेंगे उस हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब इन शब्दों को आपको सवेरे सवेरे बोलना है। सवेरे बोलने के भी अपने अपना वो है। यदि आप इन शब्दों को ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं, 4 बजे यदि आप उठ करके स्नान आदि करने के बाद इन शब्दों को बोलते हैं तो यह शब्द बहुत जल्द प्रभाव अपना दिखाते हैं। और ऐसा बोल, इस तरह से प्रयोग करने वाला व्यक्ति, इन शब्दों को प्रयोग करने वाला व्यक्ति अतिशीघ्र इससे लाभान्वित होता है। और ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ना बोल पाए, लेकिन यदि देव मुहूर्त में भी यदि उसको उठ करके बोलता है तो ऐसे व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। और जो व्यक्ति इसको देव मुहूर्त में नहीं, यदि मनुष्य मुहूर्त में भी उठ करके बोलता है, स्नान आदि करने के बाद बोलता है, सूर्योदय के पहले पहले 4 बजे का जो मुहूर्त होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 1 घंटे का मुहूर्त होता है। इसके बाद 5 बजे के बाद से जो मुहूर्त होता है उसको देव मुहूर्त कहते हैं, और उसके बाद जो मुहूर्त लगता है उसको मनुष्य, यानी सूर्योदय के पहले पहले तो व्यक्ति को किसी भी अवस्था में उठ करके इन शब्दों को रेगुलर, नित्य प्रति हर रोज बोलना चाहिए। इन शब्दों को बोलने से जब ये शब्द आपके भीतर गूंजते हैं तो आपके आसपास की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भाग जाती है। हमारे यहाँ
सवेरे उठ करके जो मंदिरों में घंट की ध्वनि होती है, नाद होता है, ये इसलिए होता है कि आसपास में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है वो सारी चली जाती है। वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि घंट नाद से व्यक्ति के शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, उसके आसपास के माहौल में पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तो जब इन शब्दों को आप सवेरे उठकर के बोलते हैं तो आपके शरीर के अंदर और आपके आसपास एक पॉजिटिव शक्ति का घेरा बन जाता है और यह शक्ति आपके आसपास जो अभी तक नेगेटिव शक्तियां थी, जो काली शक्तियां थी, जो नकारात्मक एनर्जीज थी, उनको हटा देती है। फिर आप जो कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको जैसी सफलता चाहिए वैसी सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूं कि यह मंत्र कौन सा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। सिद्ध लक्ष्मी नमस्ते अस्तु, सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सिद्धि देहि, धनम देहि, सर्व कामाश्च देहि में। ये मंत्र आपको बोलना है सवेरे उठकर के, जितना ज्यादा आप बोल सके इस मंत्र को बोलना है। इस मंत्र को जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। यदि इस मंत्र को आप केवल बोलते हैं तब भी चलेगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसको पूजा पाठ की दृष्टि से करना चाहता है तो पूर्वोत्तर दिशा की तरफ लाल आसन बिछा करके माता लक्ष्मी को उसमें बैठा दे, तस्वीर रख दे, मूर्ति रख दे, उसको वहाँ पर विराजमान करे और उनके सामने एक घी का दीपक जलाए, लाल पुष्प अर्पित करें, हो सके तो कोई मिठान मिष्ठान अर्पित करें या जो कोई भी रुचि का फल हो उनको चढ़ाए और उसके बाद में इस मंत्र की कम से कम एक माला करें। ऐसे करने वाले व्यक्ति के जीवन में अति शीघ्र माता लक्ष्मी, जो महालक्ष्मी कहा जाता है, जो आरोग्य देती हैं, जो धन देती हैं, जो हर कार्य हर काम को पूरा करती हैं, वो तुरंत ही उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। ठीक है, हो सकता है तो मैं मंत्र आपको लिख करके देने का प्रयत्न करूंगा। इस मंत्र के नित्य प्रति आप एक माला करिए सवेरे उठ करके, आपके जीवन से जितना भी दुख है वो अति शीघ्र दूर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए विकास और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।